दोस्तों आईपीएल 2023 का रोमांचक मैच दिल्ली और मुंबई इंडियंस के बीच अब शुरू हो चुका है, जहां रोहित शर्मा की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छक्के चौकों की बौछार कर दी है। आखिर रोहित शर्मा और ईशान किशन ने कितने रन जोड़ लिए हैं, कौन शतक के करीब है, सब आपको वीडियो में लाइव दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सब भी अगर रोहित शर्मा को एक अच्छा कप्तान मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आईपीएल के एक के बाद एक रोमांचक मुकाबले दिन प्रतिदिन खेले जा रहे हैं और अब ऐसे में इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का 16वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज यानी कि 11 अप्रैल मंगलवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेला जा रहा है, जहां दोनों ही टीमें इस वक्त अपने खराब फॉर्म से जूझ रही है। ना दिल्ली चल पा रही है ना ही मुंबई की टीम, और अब तक आईपीएल के 16वें सीजन में एक भी जीत दर्ज कर पाई है। और यहां पर दिल्ली की टीम ने 3 मैच खेले और तीनों में हार का सामना करा है, तो वहीं मुंबई की टीम ने अब तक दोनों मैचों में हार का स्वाद चख लिया है। और आज इन दोनों टीमों के बीच जंग है अपने पहले आईपीएल के मैच को जीतने की। और दोस्तों आज हमें एक टीम तो जीतती हुई दिखाई देगी, वो दिल्ली की भी हो सकती है और मुंबई की भी। लेकिन आपको हम बता दें कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच थोड़ा धीमे रहती है और इस पिच का बाउंस भी अजीबोगरीब रहता है। कभी गेंद टप्पा पकड़कर बल्लेबाज के सर के ऊपर निकल जाती है, बिल्कुल ही नीचे रह जाती है। हालांकि यह पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है। छोटा मैदान होने की वजह से कोटला में चौके छक्कों की जमकर बारिश होती है और यहां पर स्पिनर्स को भी काफी मदद मिलती है। गौरतलब है कि इस पिच पर गेंदबाज बॉलिंग करना खासा पसंद कर सकते हैं। फिरोज शाह कोटला में बल्लेबाजों की यहां तूती बोलती हुई नजर आएगी। अक्सर इस मैदान पर हाई स्कोरिंग मुकाबले ही देखने के लिए मिलते हैं। वहीं टॉस जीतकर टीम पहले गेंदबाजी करने को इस मैदान पर उतर चुकी है। लेकिन दोस्तों अगर आप भी दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच यह रोमांचक मैच लाइव अपने टेलीविजन पर अभी देखना चाहते हो तो आप सभी स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स का उपयोग कर सकते हो। और अगर आपको मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो आप सभी जियो सिनेमा ऐप का उपयोग कर पाओगे, जहां हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, तेलुगु में यह मुकाबला दिखाया जा रहा है। वहीं अगर बात करें टीमों के बारे में तो दोस्तों यहां पर मुंबई इंडियंस की तरफ से हम सभी ने देखा है कि बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर पाने में कामयाबी हासिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज कप्तान रोहित शर्मा की अगर पहले बल्लेबाजी आई तो वो एक बड़ी पारी खेलते हुए हमें नजर आ सकते हैं। वहीं उनका साथ निभाने वाले ईशान किशन का बल्ला भी मुंबई की जीत के लिए हकदार होगा कि यहां पर वो आतिशी चौके छक्के लगाकर मैच को पलटने का कार्य करें। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी कोई छोटी मोटी टीम नहीं है। यहां पर डेविड वार्नर हैं जो कि अभी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन उनका साथ निभाने वाला कोई बल्लेबाज दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से नजर ही नहीं आ रहा है। यहां पर पृथ्वी शॉ का बल्ला नहीं चल रहा, रिली रोसू का बल्ला नहीं चल रहा, और यहां पर अगर पारी को आगे बढ़ाना है और मध्यम क्रम को संभालना है तो अक्षर पटेल का भी खेलना मैच में काफी जरूरी है। और ऐसे में अगर बात करें प्लेइंग 11 टीमों के बारे में तो दोस्तों आप सभी को जो दिल्ली की प्लेइंग 11 टीम नजर आने वाली है उसमें पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर एक बार फिर से पारी की शुरुआत करते हुए आप सभी को नजर आएंगे। वहीं अगर बात करें मध्यम क्रम की तो दोस्तों मध्यम क्रम में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से रायली रूसो, अभिषेक पोरेल, अक्षर पटेल, ललित यादव और कमलेश नागरकोटी को मौका दिया गया है। वहीं फिर गेंदबाजी में कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा और हम सभी को लुंगी एनगिडी खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों योगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। वहीं बात करें मुंबई इंडियंस की टीम के बारे में तो मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा, ईशान किशन पारी की शुरुआत करेंगे। वहीं फिर मध्यम क्रम में कैमरोन ग्रीन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, टिम डेविड, अरशद खान, ऋतिक शौकीन खेलेंगे। और फिर गेंदबाजी में पीयूष चावला, जोफ्रा आर्चर और कुमार कार्तिकेय को मौका मिलने जा रहा है। तो दोस्तों ये होगी प्लेइंग 11 टीमें दिल्ली और मुंबई की। बाकी अब आप सभी की क्या राय है इस रोमांचक मैच के बारे में और आपके अनुसार कौन सी टीम मैच जीतेगी, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।